भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब अन्य देश भी भारत की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीनी ऐप्स को लेकर डेटा चोरी का खतरा ही इतना बड़ा है। अब यूएस तो चीनी ऐप जैसे टिकटॉक को बैन करने का मन पहले ही बना चुका था, लेकिन अब जापान भी चीनी ऐप टिकटॉक के साथ अन्य ऐप्स पर बैन लगाने की जुगत में लग गया है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जापान टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप को बैन कर सकता है। माना जा रहा है कि लॉ मेकर्स का एक ग्रुप चाइनीज पब्लिशर्स की तरफ से तैयार की गई ऐप्स का इस्तेमाल बैन करने पर काम कर रहा है। भारत और यूएस की तरह ही जापान के लॉ मेकर्स की तरफ से भी यूजर्स के डेटा सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि उनका ढेर सारा स्थानीय डेटा ऐसे ऐप्स की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ लग सकता है। माना जा रहा है कि आगामी सितंबर महीने तक जापान की सरकार इसको लेकर कोई फैसला ले सकती है। जापान में टिकटॉक को लेकर सख्त फैसला लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जापान में भी टिकटॉक को बहुत सफलता मिली है। iOS का डेटा बताता है कि टिकटॉक एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में लगातार टॉप रैंकिंग में शामिल रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने ऐप्स में 5वें स्थान पर है। वहीं टिकटॉक ने अपने ऐप को लेकर सफाई भी पेश की है। टिकटॉक का कहना है कि हमारे बारे में यहां काफी अफवाहें और गलत जानकारी है। टिकटॉक में जो भी खामियां हैं उसके लिए हमारी यूएस की टीम बेस्ट इन क्लास सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रही है। टिकटॉक के मुताबिक उसका डेटा यूएस और सिंगापुर के सर्वर में स्टोर होता है और इसे आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये कि सफाई के बाद क्या जापान टिकटॉक पर एक्शन लेने से पीछे हट जाएगा या फिर भारत की ही तरह अपने ही देश में टिकटॉक जैसे ऐप डेवलप करने के लिए कहेगा।